ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है नेशन न्यूज में। रुक करते अगली खबर का। मोतिहारी में राशन की शिकायत करने पहुंची महिला वार्ड सदस्य के साथ राशन विक्रेता ने हाथापाई की। घटना चकिया प्रखंड स्थित बरमदिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राशन विक्रेता ने ग्रामीणों को 2 महीने के राशन के बदले सिर्फ 1 महीने का ही राशन दिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य से की, जिसके बाद राशन विक्रेता ने वार्ड सदस्य से ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। राशन पूरा दीजिए, 2 महीना का देना है दीजिए, 1 महीना का देना है तो पूरा दीजिए। इसके बाद में हमको लगा है दोनों बाप बेटा मिल के मारने लगा है। पब्लिक से पूछिए ना क्या हुआ है। लड़का के लेके मारपीट हुआ है, राशनों के लेके मारपीट हुई है, जबरदस्ती घर में डूब गया, समझे, जबरदस्ती घर में डूब गया। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में कोयल नदी से अवैध रूप में बालू खनन को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को आवेदन सौंपा है। दरअसल बालू माफिया अवैध तरीके से कोयल नदी से बालू खनन करते हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बालू का उठाव होने से नदी में पानी का स्तर कम हो गया है, जिससे किसानों की खेती के साथ सरकारी योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। गांव का बालू का मामला आज आया है, उसमें ग्रामीणों का आरोप है कि JSMDC के द्वारा जो बंदोबस्त हुआ है वो अपने एरिया से ज़्यादा कवर कर रहे हैं, और जहां पर उनका कार्य क्षेत्र है जहां पर बंदोबस्त हुआ है उनसे वो दूसरे गांव में भी कर रहे हैं। तो इस संबंध में ये मामला आज ही मेरे के पास आया है, इसमें हम लोग दिखवा रहे हैं। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक हत्याकांड में शामिल 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि JJMP के उग्रवादियों ने बीते 12 मार्च को एक मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसा बताया जा रहा था कि लेवी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने कई हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा था और इस हत्या के मामले में संलिप्त लोगों के संदर्भ में लगातार सूचना का संकलन और जो संदिग्ध अपराधकर्मी है उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। इसी सिलसिले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और इस कांड में संलिप्त 4 अपराधियों की, जो अमित कुमार लोहड़ा, अमित लोहड़ा। जमुई जिले के झाझा में SP के निर्देश पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान इलाके में यातायात का पालन करने के लिए लोगों को सख्त हिदायत दी गई है। और गुरुग्राम में ASB प्रोडक्शन हाउस की ओर से आयोजित मिस्टर एंड मिस रॉयल स्टार इंडिया 2021 सीजन 2 में बिहार शरीफ के मथुरिया मोहल्ला निवासी हर्षित ने सेकंड रनर अप का खिताब जीता है। खिताब जीतने के बाद घर लौटे हर्षित का भव्य स्वागत किया गया। हर्षित स्नातक पार्ट 1 का छात्र है, जो पहली बार इस तरह के मॉडलिंग प्रतियोगिता में शामिल हुआ था और पहली ही कोशिश में उसने यह सफलता हाथ लगी है उसके। और दिल्ली में प्रेजेंट शो था मिस्टर एंड मिस रॉयल स्टार इंडिया 2K20 सीजन 2 था, और इस शो में मैंने सेकंड रनर अप आया हूँ मिस्टर रॉयल स्टार इंडिया सीजन 2 का, और मैं वहाँ शुक्रिया करना चाहूँगा ASB प्रोडक्शन को। और यहाँ में दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेशन न्यूज़।